बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अचार गोश्त जो कि बहुत ही मज़ेदार सी डिश है और मैंने भी कोशिश की है कि इसे मज़ीद मज़ेदार सा बनाऊं अपने स्टाइल से। अचार गोश्त जो कि बहुत ही लाजवाब बनेगा, तो बनाते हैं अचार गोश्त। अचार गोश्त के लिए 1 किलो मैंने गोश्त लिया है हड्डी वाला, 2 अदद प्याज है दरमियानी, बारीक स्लाइस भी मैंने काट लिए हैं बहुत बारीक, और ये गोश्त जो है ना मैंने इसे पहले से बॉयल कर लिया, सादा सिंपल कुछ भी नहीं इसमें गया, सिर्फ पानी डाला है और मैंने इसे हाफ डन कर लिए। क्योंकि कुछ है ना ये गोश्त जो होता है ना ईद का, तो वो काफ़ी मुश्किलों से बहुत तंग करता है, बड़ी मुश्किल से गलता है, तो इससे बेहतर है कि पहले से बॉयल कर लो ताकि सालन का कलर ना बहुत अच्छा सा आए। तो अब मैं जो इसमें सारी चीज़ें इसमें कुकिंग का होगा ना पकने का सारा, तो उसमें फिर गोश्त बहुत सही अच्छा कलर रहेगा, इसलिए मैंने पहले से बॉयल करके रख लिए। और प्याज लिए 2 दरमियानी, और ये मेरे पास है मसाले इसके, पहला जो इसका मैंने शुरू करना है उस वो मैं पहले वाली चीज़ें दिखा रही हूँ। अचार गोश्त के लिए हल्दी 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा है, 3 इलायची, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ली है, नमक 1 टी भर के फूल चाय का चम्मच लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच है, 1 अदरक का पेस्ट हो गया और 1 लहसुन का पिसा हुआ, दोनों मिलके 2 टेबल स्पून। और प्याज मैंने पहले ऑयल गरम कर लिया है, आधा कप है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसमें एक ये प्याज जो मैंने दिखाई ये चॉप की अंडे वाली, जैसे अंडे में आमलेट में डालते हैं इस तरह करके, इसे 5 मिनट तक मैंने प्याज को इसमें फ्राई करना है, तेज़ आग कर दी मैंने, तो पहले से गर्म थी ये जो प्रेशर में मैं बना रही हूँ ताकि ये जो मसाला है ना हमारा सारा जो इसमें जाएगा अच्छा सा गल जाए। तो ये मैं 5 मिनट तक इसे फ्राई कर रही हूँ, तो फिर मिलते हैं। प्याज को मैंने 5 से 6 मिनट फ्राई कर लिए, अब लहसुन अदरक मिर्च इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक मैंने थोड़ी दे दी बस, ज़रा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये मसाले लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जो मैंने गोश्त बॉयल करके रखा था, यखनी है उसमें थोड़ी सी, तो यखनी मैंने इससे थोड़ी पहले मैं ये कर लूँगी इसे मसाले में फ्राई गोश्त को, उसके बाद फिर मैं यखनी डाल के, तो मैंने प्रेशर का इसका ढक्कन लगा के तो थोड़ी देर इसे पकाने, ताकि ये जो मसाला मैंने प्याज डाला है ना तो ज़रा एक जैसा हो जाए सारा। तो गोश्त को पहले से गला लो तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो पकाने में मुश्किल होती है, मसाला भी ख़राब और सालन का कलर बहुत ही अलग सा ख़राब सा हो जाता होता है। अब नज़र आ रहा होगा कि ये कलर इसका कितना अच्छा सा निकल के आया है, मैंने थोड़ा ही इसमें फ्राई करना है गोश्त को जो मसाला मैंने तैयार किया है। तो अब मैं इसमें वो यखनी डाल के तो इसे मैं गलने के लिए छोड़ रही हूँ। थोड़ी सी यखनी बचा लूँगी, बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना इसके मसाले में डालने की तो मैं उसमें भी थोड़ी सी डालूँगी। अब इसका प्रेशर का मैं ढक्कन लगा के थोड़ी देर चलाना है, तो फिर मैं दिखाती हूँ। मसाले में मैंने जो अचार का मसाला है उसमें 1 टेबल स्पून भर के सौंफ का लिया है, मेथी दाना 1 टीस्पून, राई जो है 1 टीस्पून, ये साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, राई और सॉरी कलवंजी 1/2 टीस्पून, ये सबसे कम है, बाकी जो मेथी दाना और राई है ना 1-1 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून सौंफ और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और राई 1/2 टीस्पून। हरी मिर्चें मैंने इसके लिए ली हैं कोई 6 से 7 अदद, ये आप अपनी मर्ज़ी से लो, मज़ा आता है जब ये मसाले इसके अंदर जाएगा तो अलग से खाने में बहुत मज़ा आता है इसका। और टमाटर हैं दरमियाने 2 अदद और भर के 1 प्याली दही,
ये भी मैंने फेंट लिया है, फिटी दही है। अब मैं ये जो अचार का मसाला है या ड्राई मसाले ये मैंने कूट लेने हैं कुंडी में मोटे मोटे, ये मैं कुंडी में कूट के तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने शिफ्ट कर लिया दूसरे बर्तन में सारा गोश्त और मसाला। ये टमाटर जो मैं 2 अदद मैंने दिखाए थे ये मैंने इसमें डाल दिए। अब मैंने जब तक ये टमाटर ऐसे इसका मसाला ना बन जाए, ज़रा मैं इसे पकने दूंगी ढक के, बहुत जल्दी ये इसका टमाटर जो है ना मसाला बन जाएगा इसका, इसलिए कि मैंने स्लाइस में ना बहुत पतले पतले से ये किए हैं। तो ये भी कोई इतनी अब मुश्किल नहीं है, प्याज भी सारी गल गई, मसाला भी अच्छा सा भुन गया और ऑयल भी ऊपर आ रहा है, टमाटर भी गल जाएंगे। अब मैं दूसरा मसाला दिखा रही हूँ। ये इसका अचार का मसाला मोटा मोटा सा कूट गया, तो कुंडी में मैंने कूटा इसे। और ये मेरे पास है चाट मसाला 1 टीस्पून भर के लिए है, ये भी इसमें मैं शामिल करूँगी। और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये भी इसमें गया। ये सारा मिक्स करके, 1 लीमू है मेरे पास, इसका रस मैंने निकालना है कुछ लाल हरी मिर्चों में डालने के लिए मसाले के साथ। ये जो दही मैंने 1 प्याली दिखाई है इसमें मैं ये डालूंगी अचार का मसाला, थोड़ा सा मैं हरी मिर्चों के लिए बचा दूंगी ना, उसमें डालना है। ठीक है, ये हरी मिर्चों के लिए रह गया। ये मसाला ये जो तैयार किया है मैंने दही वाला मसाला, अब ये वो उसमें जाएगा टमाटर जो मैंने गोश्त में किया मसाला तैयार किया है। ये भी टमाटर भी इसमें हो चुके हैं, तो 4 से 5 मिनट लगे हैं इसे मिक्स होने में, टमाटरों को हो चुका है ये भी। और ये मैं अब इसमें ये दही डाल दूँगी, दही डाल के चम्मच चलाया फौरन चूल्हा हल्का किया, और ये इसको अब मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। जो अचार का मसाला मैंने जिसको जितने जितने बताए हैं ना इतना ही डालो, अगर ज़्यादा डालने की कोशिश करें ना तो वो फिर मसाला जो है अचार का कभी कड़वा कभी ज़्यादा कभी कुछ, तो इसी तक इसी हिसाब से डालना है तो बहुत A1 सालन बनता है। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा का लालच करें कि अचार का पता नहीं ज़्यादा जायका आएगा तो वो कड़वे की तरफ भी जाता है। अब मैं जो 1 लीमू मैंने दिखाया है मसाले में मैं शामिल करके, तो हरी मिर्चों में मैंने भर देना है, तो इसे मैं मसाला तैयार करके हरी मिर्चों में डाल के, ये 1 अदद लीमू है तो इसे मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये घी इसके ऊपर आ चुका है जो मैंने ऑयल डाला है, और दही का पानी भी खुश्क हो गया, मसाला भी बन गया बहुत अच्छा सा, ये नज़र आ रहा होगा कलर भी बहुत अच्छा सा है उसका गोश्त का और मसाले का। अब मैंने जो हरी मिर्चें मसाले में बता रही थी ये मैंने इसमें सारी डाल दी, मसाला इसमें सारा फिलिंग कर दिया लीमू का जूस निकाल के। तो ये 6 अदद मिर्चें हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जो थे लीमू के छिलके वो मैंने स्लाइस में काट लिए, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। इन लीमू को लीमू जो होते हैं ना जब लेके आए रात को उन्हें भिगो दें तो सुबह फिर पानी से निकाल लो और इसके जो छिलके होते हैं ना फिर कड़वे नहीं होते, तो इस वजह से ये मैं इसके साथ दम में डाल रही हूँ, ये कड़वापन नहीं इसमें आएगा छिलकों की वजह से। अगर आपने भी ऐसे करना हो ना तो ये टिप बहुत अच्छी है कि रात भर पानी में भिगो के रख दो लीमू साबुत को, और सुबह उठो और उसे पानी से निकाल के साफ़ करके फ्रीज़र भी कर सकते हो, जैसे भी रखना चाहे जिस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हो। ये तैयार है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे हरी मिर्चों के साथ दम पे रख रही हूँ, और ये दम के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा सा ये इसका फ्लेवर आता है, जैसे मैंने बनाया है आप भी बनाना मेरे स्टाइल से तो बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो लाइक दिया करें ज़रूर ज़रूर, इसी से ही मेरी हौसला अफजाई होगी। कमेंट में भी आया करें, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कोई कमेंट में बात करता है और लाइक दे करते हैं, तो ज़रूर लाइक दिया करें। ये तैयार है तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार है, लुक बहुत अच्छी सी आ रही है माशाल्लाह से, और जायके में भी बहुत अच्छा ही होगा। और आप ज़रूर ट्राई करना, मज़ेदार सा अचार गोश्त खुशबूदार सा हाज़र है। अल्लाह हाफिज़।